क्या देख रही हो? ये रोटी है, खाओ। इमान से चुकसी में लाया हुआ। इतनी गोल रोटी? रोटी तो गोल ही होती है, कोई नई बात तो नहीं है। मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं पकाया होगा, इसलिए मैं बाजार से कुछ लेता हुआ आया था। मैंने ट्राई किया था। फिर? मैंने रोटी बनाई थी। कहाँ है? गोल नहीं बनी। मिसेस, जरूरी नहीं है कि रोटी पुरकार से गोल बनाई जाए। मैंने मुर्गी भी बनाई थी। नजर आ रहा है। उड़ गई। यू मीन के देगची से पकते पकते उड़ गई? हाँ, प्रेशर कुकर में से उड़ गई। पहले तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं उसको क्या हुआ, भाग से उड़ गई। शुक्र करो तुम्हें साथ नहीं ले उड़ी। एक तो सास यहां पे नहीं है, सारा का सारा इल्जाम मुझ पे आना था। और मिसेस गालिबन, आप यही कपड़े पहनकर किचन में गई होंगी। तुम्हें मालूम है इस तरह के कपड़े पहनकर किचन का रुख करने का क्या मतलब होता है? मौत के मुंह में दाखिल हो जाना। और बाल भी आपने खुले रखे होंगे। वैसे बाय द वे, वो बची कुची मुर्गी है कहाँ? थोड़ी बची है। है? कहाँ है पता है क्या? मिसेस के हाथ के खाने की भी अपनी लज्जत होती है, दिखाओ तो। आप मजाक उड़ाएंगे? ईमान से नहीं उड़ाऊंगा। ये रोटी बनाई थी। ये What's this? यही तो है मुर्गी। तो स्ट्रॉ का है? आपने कहा था मजाक नहीं उड़ाएंगे। भाई मिसेस कसम से मैं खुद नहीं हंस रहा, ये तुम्हारी मुर्गी मुझे हंसा रही है कमबख्त। आप हंसती भी हैं? जी। ऐसे ईमान से आप हंसते बहुत। खैर छोड़ो, खाना खाओ। लो तुम ये खाओ। ये जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको जहमत दी, आफाक साहब से जरूरी मिलना था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी तक जागे नहीं, सो रहे हैं। जी मेरा नाम गुलजार है, हम बहुत दूर से आए हुए हैं। अच्छा, मैं जगाती हूँ उनको, आप इंतजार कीजिए। Thank you.
मैं आपको जगाना चाह रही थी। जी फरमाइए, जाग गया हूँ। वो बाहर आपसे कोई साहब मिलने आए, कोई फराज साहब। बाय द वे, जगाने का ये अंदाज पसंद आया। वैसे कभी कभी यूं जगा दिया कीजिए, कोई हर्ज नहीं। दो अगस्त से दूसरी रोने की क्या बात है परी? मैं पहली दफा आप इतनी दूर जा रही हैं, परेशान है ना? मैं तो हर साल जाती हूँ और ज्यादातर इसे छोड़कर जाती हूँ। पहले की बात और होती थी, अब ऑब्वियसली ना। नहीं, अब परी अपने घर की हो गई है और हर लड़की अपने घर जाती है। इसका सबसे बड़ा नाता तो अब तुमसे है ना? बेटा सिर्फ 6 माह की तो बात है। 6 माह? हाँ, खत लिखोगी ना? तुम भी खत लिखना। आप भी खत की बात करती है, मैं रोजाना टेलीफोन करूंगा, बल्कि फरी की भी बात करवाऊंगा आपसे। हाँ, वहाँ मैं तुम्हारी अम्मी से भी मिलूंगी। अरे हाँ, मैंने आपको एड्रेस दिया है ना, बल्कि आपने कहना भी मम्मी के पास। हाँ, तमाम बेटा तुम जानते हो कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं जिंदगी है नहीं है, वापस आऊं ना आऊं। बेटा मैं तुम्हारे मसाइल जानता हूं, तुम इन मसाइल से दोचार हो, परी मेरी बहुत लाडली बेटी है। बेटा तुम सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए उसको उसको बर्दाश्त कर लेना, और प्लीज उसे कोई दुखी तकलीफ ना पहुंचे बेटा, सिर्फ मेरे लिए। समझाऊं कि तू मेरा नहीं, दिल में कोई चीख उठता है नहीं ऐसा नहीं, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जाने कोई रास्ता नहीं। होमवर्क कर लिया परी? जी हो गया। लगता बहुत थक गई हो। बहुत ज्यादा। एक बात तो बताओ परी। जी। रात को सोने से पहले आप अपनी अम्मी के लिए दुआ मांगती हो?